हमारे ज़िंदगी एक सफ़र है। सफ़र कोई आगे ख़त्म करेगा तो कोई बाद में, लेकिन सबको सफ़र ख़त्म करना ही होगा एक दिन। कौन कैसा अपना सफ़र पूरा करेगा वो उनके ऊपर है। हाय, मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। मैं ठहरा समुंदर के पास रहने वाला बंदा, मानो कि जैसा मेरा दिल एक खूबसूरत पहाड़ों पे आ गया। आज हिमाचल में मेरा सेकेंड डे है। आज कुछ अलग करने का दिल किया जो मैं लाइफ में पहली बार करने वाला हूँ। जय भोलेनाथ, जय शंकर। इधर हेलीपैड के पास बाबा भी बैठे हैं, तो त्रिलोकनाथ यात्रा जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। अच्छा, आप त्रिलोकनाथ यात्रा कर रहे हैं। सच में यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखिए एप्पल का पेड़, और इसको चढ़ने का, यहीं से ऊपर चढ़ते हैं चल के। हाय फ्रेंड, मैं हूं सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। मैं इस वक्त हूं हिमाचल प्रदेश का लाहौल डिस्ट्रिक्ट का केलोंग सिटी में। केलोंग एक बहुत खूबसूरत एक सिटी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका दूरी मनाली से 150 किलोमीटर के अंदर है और लेह से इसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर के अंदर है। आप अगर प्लान कर रहे हो कि मनाली आने का, तो मनाली से आप ऑटल टनल होते हुए आप केलोंग पहुँच सकते हो। केलोंग कैसे पहुंच सकते हो, केलोंग में आपका क्या टूर प्लान रहेगा, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ। वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेनली ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इधर मैं ट्रैक करके, पहाड़ में ट्रैक करके मॉनेस्ट्री गया था। मैं इधर का विलेज के अंदर से वो मॉनेस्ट्री तक गया था, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मेरा चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब किए हो तो आपको मेरा दिल से थैंक यू। और कमेंट में आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए। चलिए आज का वर्चुअल डिजिटली सफ़र शुरू करते हैं आप और हम दो मिलके। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग। मॉर्निंग 5 बजे मेरा नींद टूट गया ये सोच के कि आपको दूर पहाड़ों का अच्छा व्यू दिखा पाऊँ, बट मौसम मॉर्निंग से ही खराब था। जल्दी जल्दी फ्रेश होके मैं पहले गया होटल आंटी के पास ब्रेकफास्ट करने। मॉर्निंग में भगवान को पूजा देकर होटल आंटी सबके लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। सब बैठ के खाना बहुत अच्छा से एंजॉय कर रहा था। बाहर ठंड बहुत था, लेकिन भैया मैं बाहर ही बैठ गया ब्रेकफास्ट करने। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग। आज मेरा फर्स्ट मॉर्निंग है केलोंग में। इधर जो आंटी जो है, आंटी ने बोला कि इधर एक स्पेशल आलू होता है, वो आलू का पराठा मैंने लिया हूँ 30 रुपये देकर। ये देखिए आलू पराठा कैसा है, ये देखिए। इस पे बहुत बड़ा है आलू पराठा का साइज, देखिए आप। और इसके साथ ये आचार और एक चटनी, ये नारियल बादाम देकर एक इधर का एक स्पेशल चटनी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं जिधर बैठा हूँ उधर पीछे स्नो कैप माउंटेन है, उधर मेरा आगे भी स्नो कैप माउंटेन है, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है। और आप अगर विंटर पे आओगे ना, तो इधर आपको हर तरफ स्नो ही स्नो दिखेगा। मैं विंटर में इधर एक बार ज़रूर आऊँगा। और इधर का आंटी बहुत अच्छा है, मुझे इनवाइट भी किया है विंटर में आने के लिए। तो आप अगर केलोंग में आओगे, केलोंग बस स्टैंड के पास से आंटी का ये होटल है, और खुद का खाना भी है, वेज है, पूरा वेज है, नॉन वेज आपको इधर नहीं मिलेगा। तो आप इधर रह सकते हो और रूम का किराया भी बहुत सस्ता है इधर। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकला लोकल गांव और एक साइट सीन विजिट करने। इधर देखिए
बस स्टैंड के पास कुछ लोग अपना टेंट में रुका था। मैं वो देखने चला। मुझे ऐसा टेंट में रुकने का बहुत इच्छा है। आप लोग इधर कैंप करके रुके थे क्या? इधर का अब लोग कहाँ से हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा घर भी कोलकाता में है। लोकल लोगों से बात करके इधर का हिस्ट्री जानने का कोशिश किया। वो भी मॉनेस्ट्री है, वो आगे जाके फिर वो लास्ट विलेज वहाँ भी मॉनेस्ट्री है, उसके और पास जंगल में वहाँ मॉनेस्ट्री है, ये मॉनेस्ट्री देखो। अच्छा, डिफरेंट मॉनेस्ट्री देयर आर, उनकी अलग अलग हिस्ट्री है उनकी सभी की, है ना, बहुत पुरानी है ये है। या जैसे लद्दाख मॉनेस्ट्री व्हाइट पीक, अभी कलर से ढका हुआ ना व्हाइट पीक, बीच में एक शेड है ब्लैक शेड, व्हाइट टोटली सनों से कवर्ड है ना पीक, उसके बीच में एक व्हाइट शेड है, तो एक शेड है वो उसको कहते हैं लेडी ऑफ केलोंग, एंड फ्रंट में एक इतना एक पीस है वो जस्ट लाइक ए बर्ड, ए लेडी फीडिंग ए बर्ड। अच्छा, दैट्स कॉल्ड लेडी ऑफ केलोंग, इट इज स्पेशलिटी ऑफ केलोंग। ऐसा ही बात करके मैं निकला मेरा अनफिक्स्ड डेस्टिनेशन के लिए। स्तूफा है, जैसे ये एक मॉनेस्ट्री है, ठीक है, एक मॉनेस्ट्री है, ये पूरा बिल्कुल पास से दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ से वहाँ पे भी एक मॉनेस्ट्री है, वो कैमरे में दिखाई नहीं देगा, फिर यहाँ पर भी एक मॉनेस्ट्री है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इस साइड भी है। ऐसा देख के लगता है कि पास में ही है, चला जाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है। एक मॉनेस्ट्री इधर से 3 किलोमीटर दूर पे है, मैं पैदल ही उधर जाऊँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ना कोई ठिकाना, ना कोई मंजिल, कुछ भी सेट नहीं था। लोकल लोगों से पूछ के पास में एक मॉनेस्ट्री जाने का दिल किया, लेकिन वो भैया पहाड़े के ऊपर 3 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर ऊपर है। ये था मेरा लाइफ में पहाड़ों के ऊपर फास्ट ट्रेकिंग। रोड से बोला, पुलिस वाले ने बोला यहाँ से सीधा होगा, चढ़ाई होगा। हाँ, उन्होंने बोला कि पैदल जाना होगा तो इससे चले जाओ, ये सीधा ही जा रहा है ना। केलोंग ओल्ड बस स्टैंड से आप थोड़ा सा सीधा आओगे तो आपको ऐसे एक सीढ़ी मिलेगा, इस सीढ़ी ऊपर जा रहा है वो मॉनेस्ट्री के लिए। तो अभी टाइम हुआ है 11:05 बाकी है, मैं ऐसे चलते हुए जाऊंगा, पूरा 2 किलोमीटर तक ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, देखते हैं कितना टाइम पे मॉनेस्ट्री तक मैं पहुंच सकता हूँ। चलिए पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। RIDE, मैं इधर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और नीचे ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है ये लोग, तो ये लोग मेरे से चैनल का नाम पूछ के सब्सक्राइब किया, थैंक यू इन लोगों को। और आप भी अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर मेरा सब्सक्राइबर हो तो दिल से थैंक यू आपको। देखिए पत्थर से बना हुआ ये गेट, हिमाचली घर, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है ये, देखिए ये शायद भैंस गांव बकरी रखने का घर है। चलिए आगे जाना है। मैं एक गलती कर दिया, मैं अपने साथ पानी लेके नहीं आया, तो भैया ने बोला कि एक पाइप निकल के मुझे पानी पीना पड़ेगा। पहाड़ों में ऐसा झरने का पानी पीने का एक अपना मजा है। लाइफ में पहली बार मैं ऐसा पहाड़ का ऐसे नेचुरल वाटर पी रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप भी अगर ऐसे ट्रैकिंग पे आओगे, पहाड़ों का ऐसे गांव में आओगे, तो आपको भी ऐसे नेचुरल वाटर मिल जाएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए लोकल घर, और इसको चढ़ने का यहीं से ऊपर चढ़ते हैं चल के। और ऊपर का देखिए, ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं। क्या ऊपर, ये देखिए ऊपर से व्यू देखिए, बहुत अच्छा है। ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते से ही मैं ऊपर आया, और मुझे ऐसे चढ़ के और भी ऊपर जाना होगा। ये कौन सा पेड़ है, बारिश आ रहा है जे, जल्दी जल्दी ऊपर जाना होगा। इधर से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर से। चलिए आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे भी पता नहीं है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैं खुद भी दिखूंगा। ये शायद कुआं होगा, देखते हैं आगे जाके। अच्छा ये रिजर्वर है, पानी रिजर्व हो रहा है इधर, फिर यहाँ से ही मुझे लगता है पानी गांव के अंदर जो नीचे जितना भी घर है वो सप्लाई होता है। ये पूरा नेचुरल है, ये पहाड़ का ऊपर से आ रहा है ये पानी। ये देखिए ये पाइप लगा हुआ है ऐसा। मुझे पता है कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत गाली भी देता है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं बंगाली लैंग्वेज को प्यार नहीं करता हूँ, बंगाली लैंग्वेज तो मेरा अपना लैंग्वेज है। मैं हिंदी में ज़्यादा वीडियो करता हूँ इसलिए कि मैं, मेरा ज़्यादा फ्रेंड जो है वो नॉन बंगाली है, अगर हिंदी में नहीं करूँगा तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। सीख जाएंगे आप लोग, साथ रहोगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। ये देखिए पत्थर के ऊपर कैसा लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा पत्थर ऐसा है और बहुत सारा डिज़ाइन भी है। ये देखिए, ये देखिए इधर आसपास किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं ज़रूर पूछता कि ऐसा पत्थर में क्यों लिखा हुआ है। वो अमेजिंग है, अमेजिंग, वाओ, दिल खुश हो गया इधर आके। ये देखिए ये रास्ते से मैं आया, ठीक है, आके इधर मैं एक बड़ा रास्ता दिख रहा है, इधर गाड़ी भी रखा हुआ है। मुझे पता नहीं है कि मॉनेस्ट्री के लिए मुझे इधर जाना होगा ना इधर जाना होगा ना ऊपर जाना होगा। ऊपर एक गांव है, घर है, चलिए उधर जाके पूछते हैं कि मॉनेस्ट्री के लिए किस तरफ जाना होगा। और आप जब आओगे ना, मैं जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है, मॉनेस्ट्री है, गूगल लोकेशन मैं डाल दूंगा, आप गूगल लोकेशन से ट्रैक करके आप अपना बाइक हो या फिर पैदल अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो।
चलिए किसी को पूछते हैं गांव में जाकर, किसी को देखने को मिलता है कि नहीं, देखते हैं। किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए तो पानी पीते हैं। जब इधर स्नो गिरना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये जो लकड़ी जो है, लकड़ी को ये लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं और घर को गर्म रखने के लिए भी यूज करते हैं। किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा यार, किधर जाओ। चलिए लगता है कि ऊपर ही होगा, नीचे से तो लगता नहीं कि नीचे से रास्ता होगा। ये तो भैया अभी शुरुआत है, आगे रास्ते खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी तो मैं आधा घंटे से भी ज्यादा ट्रैकिंग किया हूँ, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। पहाड़े का एक फूल देखिए, मैं पास में ले जाकर आपको वो फूल दिखाता हूँ। ये देखिए, आगे पहाड़ों का व्यू और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ये देखिए अनार का पेड़, छोटा छोटा अनार हुआ है। दूर से मुझे ऐसा लगा था कि ये जो घर है, इधर एक घर है, इसको मैं मॉन्स्ट्री समझा था, लेकिन वो मॉन्स्ट्री नहीं है। देखिए मॉन्स्ट्री किधर है, देखिए वो पहाड़ के ऊपर है मॉन्स्ट्री, जो मुझे इधर से ट्रैकिंग करके उधर जाना होगा। पैदल जाने में थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा है, लेकिन जो नज़ारे जो है आसपास का हिल्स का, उस पे से दिल खुश हो गया। ऐसे सफर में ही नेचर को और भी ज्यादा करीब से जानने को और देखने को आपको मौका मिलता है। Love you, mountain! कब पहुंचूंगा, कितना टाइम और लगेगा, कुछ भी पता नहीं था, बस आगे चलते गए। मैं ये रास्ते से आया था, मेरे भाइया के साथ मुलाकात हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए तो शॉर्टकट होगा। थैंक यू भैया। हाँ, अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ससुर हाँ, मॉनेस्ट्री को गुम्फा बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी जी, जरूर जरूर। इसको खोलते हैं गेट को। ऐसे सफर में आपके साथ बहुत बंदे के साथ मुलाकात होगा, नया नया फ्रेंड बनता है, नया नया कितना बंदे के साथ मिलता हूँ मैं, नहीं आप भी मिलते होगे, आप अगर सफ़र करते हो। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इधर मेरा दिल और भी ज़्यादा खुश हो गया, क्यों पता है? ये देखिए एप्पल का पेड़ पास में दिखाता हूँ, इसको मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट पास से दिखाऊंगा। ये देखिए एप्पल का पेड़, आप देख रहे हो एप्पल? सच में यार
इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे और क्या क्या मिलेगा पता नहीं है। ऐसा ही तो होता है ऐसा सफर में। एक रास्ता दिखाई दे रहा है, शायद इसी रास्ता ही होगा। ये देखिए उधर जाना है मुझे। बहुत ज़्यादा पानी पीने का दिल भी कर रहा है और भूख भी लगा है। मॉर्निंग में सिर्फ एक आलू पराठा खा के ही निकला था। मुझे पता नहीं था कि इतना ऊपर होगा, लेकिन ऊपर से जो व्यू मिल रहा है ना वो गजब का है। और ऐसे पहाड़ों में पानी पीने का मन हो तो आपको ऐसा दिख जाएगा। ये पूरा फ्रेश वाटर है, इसको अभी मैं पीता हूँ। सफर में तो ये सब ही एडवेंचर है। इधर से दीवार और माउंटेन को देखिए। गजब का व्यू है। और एक घर है इधर का लोकल। मैं जिधर खड़ा हूँ देखिए, इधर से एक बार गिरेंगे ना तो ऐसे सीधा नीचे। ये देखिए जूता का हालत क्या हो गया, फट गया है। ट्रैकिंग शू परचेस करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे साथ रहिए, ऐसा ट्रैवल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए सफ़र और भी ऊपर है, ऊपर अभी भी जाना होगा। बारिश भी गिर रहा है। मेरा DSLR जो है वो मैं मेरा जैकेट के अंदर ले लिया। अम्ब्रेला भी मैं अपने साथ कैरी हमेशा करता हूँ, लेकिन पता नहीं है कि वो आज ही नहीं कैरी किया। चलिए ऊपर चलता हूँ। ये देखिए ऐसा मुश्किल रास्ता। इतना ऊपर आ गए ना, देखिए व्यूज को। आप मेरे से इंस्पायर होके ऐसा अकेले ट्रैकिंग मत कीजिए। अब या फिर वो जो रास्ता है वो रास्ते के थ्रू आइए, या तो फिर आप कैब बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत रिस्क है। ये देखिए ऐसा पूरा ऐसे स्ट्रेट ऐसे चढ़ाई है और हल्का हल्का बारिश गिर रहा है, इसके वजह से और भी ज़्यादा स्लीपी हो गया है। वो है मेरा मंजिल। रास्ता कहाँ है मुझे खुद पता नहीं है। चलिए ये ऐसा दिख रहा है ना, इसको ही मैं फॉलो करके जा रहा हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया मेरा मंजिल। सफर में खुशी तब आता है जब आप अपना मंजिल पहुँच जाते हो। सारा थकान, पैर का दर्द, सब कुछ मैजिकली गायब हो गया। बारिश भी बहुत ज्यादा आने लगा अभी, बहुत ज्यादा गिर रहा है। चलिए जल्दी से मॉन्स्ट्री के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। बारिश हो रहा है, मेरा सूट को भीगने से बचने के लिए मैं इधर ऐसे बोरी का नीचे रख रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा तो सेफ होगा, चलता हूँ मैं मॉन्स्टर के अंदर। ससुर मॉन्स्ट्री, लोकल लैंग्वेज में मॉन्स्ट्री को गुम्फा कहते हैं। 16th सेंचुरी में ये गुम्फा का निर्माण हुआ।
गुम्फा का फाउंडर का नेम है लामा देवा तलसु। समंदर से ससुर मॉनेस्ट्री का हाइट है 12,000 फीट ऊपर। ये देख रहे हो ना, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। मनाली से इसका डिस्टेंस है 137 किलोमीटर। बेस्ट टाइम टू विजिट है अक्टूबर टू फेब्रुआरी। गुम्फा में टोटल 3 फ्लोर है। बट मैं जिस टाइम गया था बारिश के बाद इसे सब बंद था। और ये है यहाँ का हिस्ट्री। गुम्फा एक्सप्लोर करने के बाद मैं सोचा था कि ये ट्रैक्टर के थ्रू नीचे जाऊंगा, लेकिन मेरा किस्मत में ये नहीं था। चलिए, आज का मेरा केलोंग का सफ़र मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। ये मॉनेस्ट्री आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं मनाली के ऊपर करूँगा। मनाली का टूर प्लान के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा, इसलिए मेरा मनाली ब्लॉग आप ज़रूर देखिए। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए। आप लोग इतना ऊपर तो मैं आ गया, लेकिन मुझे ये देखिए ये इतना नीचे मुझे जाना है, पैदल ही जाना पड़ेगा। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए। और मेरा चैनल पे आप अगर नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मॉनेस्ट्री देख के पहाड़ से जैसे मैं नीचे आ रहा था, उधर तो बारिश शुरू हो गया था, बारिश में पूरा भीग गया। और टाइम अभी हो गया पूरा 2:15 हो गया है, और इतना ठंड है इधर। बारिश और ठंड दोनों मिलके मेरा हाथ ऐसा काम नहीं कर रहा है, मतलब मैं मोबाइल में कुछ प्रेस कर रहा हूँ ना, वो भी प्रेस नहीं हो रहा है। ये हाथ मेरा पूरा कोलैप्स हो गया है, पूरा जम गया है हाथ। पूरा 4 घंटा ट्रैकिंग के बाद मैं लंच करने आया। इधर मैं खाने के लिए भेज थाली ऑर्डर दिया हूँ। इधर भेज थाली में मुझे ये रोटी मिला है, रोटी और भी चाहिए तो देगा कंटीन में, और ये एक मिक्स भेज और ये एक दाल का सब्जी। फिर आएंगे तो आऊँगा जरूर। हाँ, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। आंटी को बाय करके मैं मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए बस पकड़ने गया। ये है मेरा बस। ये बस के थ्रू ही मैं मनाली का सफर करूंगा। ठंड इधर बहुत ज़्यादा है, विश्वास नहीं हो रहा है सितंबर मंथ में भी इतना ज़्यादा ठंड है। ये खूबसूरत पहाड़ों को देखते देखते मैं 2.5 घंटे में ही मनाली पहुंच गया था।